हेलो एवरीवन वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसमें कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे एनलिन है ये क्या है एनलिन जब इसको एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ ट्रीट किए और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है ये एक्स है ए एक्स है जब इसको हम ट्रेड किए किसके साथ सी यू सी एल टू के साथ एच सी एल तो ये जो क्या बनता है यहाँ पे वाई बनता है वाई को फर्दर हम ट्रेड करते हैं एन ए के साथ तो ये जेड बनता है और हमको क्या करना है यहाँ पे रिएक्शन भी हमको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है और ये एक्स वाई जेड क्या है तो एक्स वाई जेड क्या है इसको हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ये क्या है डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपेशन हो रहा है इस रिए रिएजेंट को हमको पहचानना होगा ये रिएजेंट से क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे ये एक्स क्या होगा यहाँ पे ये एंड टू सी एल ये डाइजोनियम सॉल्ट है ये मेरा एक्स एक्स हो गया उसके बाद जब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं क्यूपरस क्लोराइड से अगर ट्रीट करते हैं क्यूपरस क्लोराइड से तो ये क्या बनता है यहाँ पे बनता है क्या क्लोरोबेंजीन बनता है क्या बनता है यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन बनता है जब हम क्लोरोबेंजीन को हम किससे ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो सोडियम का कितना मोल है तो अगर इसको हम टू मोल सोडियम के साथ ट्रीट करें और इसका टू मोल तो यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन है ये ये जो रिएक्शन है ये डाइफेनाइल है डाइफेनाइल और ये रिएक्शन का नाम क्या है, है? ये रिएक्शन है वीटिक रिएक्शन ये कौन सा रिएक्शन है वीटिक रिएक्शन तो ये वीटिक रिएक्शन है तो यहाँ पे ये डाइफेनाइल है तो जेड मेरा क्या है डाइफेनाइल और ये वाई मेरा क्या है वाई एक्स है वाई मेरा क्लोरोब है तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सी एच थ्री है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच आई एक ये है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, है हमको उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तो इसका प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ पे ये जो है ये मार्कोनी ऑफ रूल्स मार्कोनी कॉफ्स रूल से ये बनेगा मार्कोनी ऑफ्स रूल तो मार्कोनिक कॉफ्स रूल क्या है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ पे क्या हो कम हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ पे कम एच हो इसी को क्या बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल्स तो मार्कोनिक रॉप रूल में नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जुटता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो और यह इसके अनुसार अगर ये प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे यहाँ पे एच यहाँ आई और यहाँ पे सी थ्री तो ये इसका प्रोडक्ट होगा यहाँ पे जो मार्कोनिक ऑफ रूल है मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए एच सी एल एच बी आर और एच आई तीनों के लिए एप्लीकेबल है लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है जो मार्कोनिक ऑफ रूल है उसका जस्ट अपोजिट अपोजिटी नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा एच है ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है और एंटी मार्कोनिक ऑफ मार्कोनिक पहचानने के लिए हमको क्या दिमाग में रखना होगा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए क्या होगा पेरोक्साइड का होना बहुत कंपलसरी है पेरोक्साइड है तभी ये रिएक्शन होगा बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है सोडियम पेरोक्साइड हो सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है तो कोई भी पेरोक्साइड होना चाहिए उसके बाद ये जो है सिर्फ और सिर्फ एच के साथ वैलिड है और किसी के साथ ये वैलिड नहीं है तो ये ये क्वेश्चन में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बी आर लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा एच लगेगा क्योंकि यहाँ पे एच क्या है ज़्यादा है तो यहाँ पे बी आर लगेगा तो इसका जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका प्रोडक्ट इसका सी एच सी एच टू यहाँ पे सी एच सी एच टू बी आर ये हुआ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है कैसे पास आने पेरोक्साइड देखें और एच बी आर ये एच सी एल एच आई के साथ वैलिड नहीं है ये एच आई एच सी एल एच आई के साथ ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगता है यहाँ पे देख रहे हैं एच सी एल है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या मार्कोनिक ऑफ रूल है तो मार्कोनिक अपरूल एच आई एच सी एल के साथ लगता है एच बी आर के साथ भी लगता है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस सी एच थ्री सी एच टू सी एच एच यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे वहाँ पे बी आर जुड़ेगा जहाँ पे कम एच है तो कम एच कहाँ पे है यहाँ पे कम एच है तो यहाँ पे बी आर जुटेगा और उसके नेक्स्ट कार्बन में क्या जुड़ेगा एच जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे यह बी आर यहाँ पे एच यहाँ पे एच एच ये क्या हो गया ये इसका प्रोडक्ट हो गया कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे ओ OH एच है इसको हम ट्रीट किए एस सी एल टू के साथ तो ये क्या बनेगा यहाँ पे सी एल लगेगा और एच सी एल प्लस टू होगा थ्री सी एच टू बी आर इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ एन ए आई के साथ तो क्या होगा यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा इसका नाम है फिंकल स्टेन रिएक्शन फिंकल स्टेन रिएक्शन यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा और क्या हो जाएगा ये सी एच थ्री आई प्लस एन ए बी आर